हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वेडिंग पार्टी मेकअप लुक को। और इस मेकअप लुक को आप किसी भी पिंक और गोल्डन कलर की ड्रेस के साथ कर सकते हैं, चाहे वो लहंगा है, साड़ी है या गाउन है। तो आप इस मेकअप लुक को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे किया है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको सभी मेकअप प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूँ मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। और जो भी स्किन केयर रूटीन होती है गाइज, वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी अच्छे से अपने पूरे फेस पर और आइज़ पर भी। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का कंसीलर। और कंसीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका आई शेडो भी अच्छा दिखे और आपको कोई भी डार्क सर्कल्स और रिंकल्स नज़र ना आए। इसके बाद मैं इसे एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी अच्छे से अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो पाउडर है, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हिलेरी रहूडा के आई शेडो पैलेट से ये डार्क पिंक कलर का शेड लूँगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और आई शेडो को भी ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका आई शेडो ख़राब दिखता है और इसका रंग भी अच्छे से नज़र नहीं आता है उभर कर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सेम पैलेट से ये है रेड शिमर शेड है, और इसे इस तरीके से मैं पूरी आई लिड पर लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लैक कलर का शेड, ये मार्स आई शेडो पैलेट है, और इसे सिर्फ मैं आउटर वी पर लगाऊंगी जिस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। एक टैपर ब्रश लिया है मैंने, स्मॉल टैपर ब्रश जिस तरीके से आप देख सकते हो, और इसे सिर्फ मैं आउटर वी पर लगाऊंगी ब्लैक कलर के शेड को। आगे तक नहीं लेकर आना है आपने, सिर्फ आउटर वी पर लगाना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो ब्लैक आई शेडो लगाया वो हार्श ना दिखे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर, और इसे मैं इनर कॉर्नर्स में लगा लूंगी। तो कंसीलर मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ फ्रेंड्स, और नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से शिमर शेड लगा रही हूँ, और इसे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी बिल्कुल हल्के हाथों से, और अपनी क्रीज लाइन को भी एक बार और मैं अच्छे से इस तरीके से उस पर आई शेडो लगा लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्रीज लाइन थोड़ी दब गई है, कलर इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया है कलर को। इसके बाद मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी जेल आईलाइनर। और गाइस, ज़रूरी नहीं है जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो भी आप यूज़ करें, तो आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं शिवाना शिमर ब्रिक्स हाईलाइटर लगा लूँगी अपनी ब्रो बोन पर और इनर कॉर्नर्स में। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन की काजल। और अब मैं सेम पिंक कलर का शेड जो कि मैंने अपनी आईज पर लगाया था, वही मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से अपने फेस का मेकअप कंप्लीट करूँगी। और सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ा ख़राब हो रही है, गला ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपनी बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो आई शेडो हो या फाउंडेशन हो या कोई भी बीबी सीसी क्रीम हो, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डैप टैप करते हुए मैं इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ा सा अपनी क्रीम को सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ। Thank you.
यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश। और ब्लश के लिए दोस्तों मैंने इलेरी रूडा का जो पैलेट है ना उसमें से मैंने लाइट पिंक कलर का शेड लगाया है। इसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पर। और लिपस्टिक के लिए गाइस मैंने ये दो शेड मिक्स कर लगाने की सोची है, तो मैं ये दो शेड मिक्स कर लगा रही हूँ यहाँ पर। मैंने पहले L18 की लिपस्टिक लगाई है, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ये लगाया ताकि मेरे लिप्स भी मॉइस्चराइज रहें अच्छे से। और इसके बाद मैं ये हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक लगा ली है। आपके पास जोन सी भी लिपस्टिक हो वो आप लगा सकते हो। और गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो मैंने एसेसरीज भी पिंक और गोल्डन के कलर के हिसाब से ही मैंने वियर की है। सो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने फॉल्स लैशेस ऑफ कैमरा वियर की थी, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगती है फॉल्स लैशेस लगाना तो आप लगा सकते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस है अगर तो, अदरवाइज ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली इन एडवांस।